हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन पर बेस्ड प्रोग्रेस वन हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे 2x2 वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल्स टू 1x2 आई प्लस 2j का होल स्क्वायर। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ए, इससे हम इस 2x2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। एज इट इज हमें बी इक्वेशन भी गिवन है, इससे भी आपको उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने अपनी पिछली जितनी भी वीडियो है उसमें हमने ए जो इक्वेशन है उसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन आप वहां से देख लीजिए। बस उसमें जो हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया है वो 2x3 है, लेकिन प्रोग्रेस के क्वेश्चन में 2x2 है, तो अकॉर्डिंगली आप 2x2 एलिमेंट उसमें ले लीजिएगा। तो हम आज जो सॉल्यूशन देखेंगे वो इक्वेशन बी का देखेंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू 1x2 आई माइनस जे का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो एलिमेंट्स हमारे होंगे a11, a12, a21, a22, 2x2। हमारे पास है ए आई जे इक्वल्स टू 1x2 आई माइनस जे का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें अपने सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला एलिमेंट जो है हमारा a11, आई की जगह आप पुट करेंगे 1, जे की जगह भी आप पुट करेंगे 1, 1x2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, देन ये होल हमारा 0 हो जाएगा। a12, i की जगह पुट करेंगे 1, j की जगह पुट करेंगे 2, तो हमने इसे पुट किया 1 माइनस 2 माइनस 1, साइन ग्रेटर का आएगा, तो स्क्वायर किया इसका 2 टाइम्स लिखने के बाद हमारे ये 1 एंड 1 का जो साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 1x2। थर्ड एलिमेंट है हमारा 2x1, आई की जगह पुट करेंगे 2, जे की जगह पुट करेंगे 1, पुट करने पर वी गेट 1x2। सेम एज इट इज a22, एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे 1x2, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वी गेट 0। देयरफोर जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज a11 पे हम रखेंगे 0, a12 एलिमेंट आया 1x2, a21 एलिमेंट 1x2, a22 एलिमेंट 0। तो फ्रेंड्स, ये हमने बी का सॉल्यूशन देखा। एज इट इज हमारा ए का सॉल्यूशन भी, इक्वेशन ए के लिए सॉल्यूशन भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन, जो आपका ये मैट्रिक्स है ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ये चीज़ आपको गिवन है। दैट मीन्स आपका एक्स और वाई का वैल्यू कैसे आएगा, इन एलिमेंट्स को, इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लीजिए, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे नाम, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन। 3, 3, 5, 5 को हमें इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहली इक्वेशन आप ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, x माइनस 2x इज इक्वल्स टू y, इसको हम लेफ्ट साइड ले आए, देन वी गेट माइनस x इज इक्वल्स टू y, हम मान सकते हैं y का वैल्यू माइनस x हो गया। ये हम इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस इक्वेशन को हम अदर इक्वेशन में पुट करें। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, जो कि है y इक्वल्स टू x माइनस y, y की जगह आप माइनस x पुट करेंगे, वी गेट माइनस x इक्वल्स टू x माइनस माइनस x, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, तो 2x, इसको हम राइट साइड ले आए तो यहाँ 0 बचा, 2x प्लस x 3x, 3x इक्वल्स टू 0, x 3 राइट साइड मेरा जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके, ये डिवाइड होके 0 जाएगा।
इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट हमने लिखी है उसको उसमें पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिला. Therefore, x is equals to 0 and y equals to 0. प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फाइंड a, b, c एंड d सच दैट, दो मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, 2c प्लस डी इक्वल्स टू 3, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 12, 2a प्लस डी इक्वल्स टू 15. इक्वेशंस को हमने नाम दिया है 1, 2, 3, 4. अप्लाई करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 प्लस बी. बी को हम राइट साइड ले गए तो a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 5 प्लस बी जिस जिस इक्वेशन में हमें a दिया हुआ है, तो हमारे अदर वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा. a इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी, फर्स्ट ले लेते हैं इसको नाम. पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड इक्वेशन के अंदर हम a का वैल्यू पुट कर रहे हैं. a की जगह 5 प्लस बी पुट करते हैं. ब्रैकेट हमने ओपन एंड क्लोज कर लिया है. माइनस बी इक्वल्स टू 12. टू टाइम्स ऑफ 5 वी गेट 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b 2b माइनस b, ब्रैकेट ओपन हो गया है, इक्वल्स टू 12. 10 प्लस 2b माइनस b वी गेट b. हमारे पास इनकी सॉल्यूशन होगी b का कोएफिशिएंट 2 और इस b का कोएफिशिएंट 1, वो सॉल्व होके हमारे पास 1 आएगा, तो b हम उसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 12. 10 को राइट साइड लेके जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आया b का 2. इस 2 वैल्यू बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करें तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा. पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट. a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, a इक्वल्स टू 7. तो हमारी अब a की वैल्यू आ गई है एंड b की वैल्यू आ गई है. वी हैव टू फाइंड c एंड d. अगर हम फोर्थ इक्वेशन के अंदर a का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा. d का वैल्यू मिल जाएगा तो हम उसे सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा c का वैल्यू. पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ. फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं टू फाइंड d. 2 इंटू 7 प्लस डी इक्वल्स टू 15, 14 प्लस डी इक्वल्स टू 15. 14 को राइट साइड ले जाएंगे, वी गेट d इक्वल्स टू 1. हमारी d की वैल्यू आ गई है 1. सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करके हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड. ये हमारा वैल्यू c का आ जाएगा 1. देयरफॉर द वैल्यूज आर a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1. प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड फाइंड वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. a मैट्रिक्स आपको गिवन है, a इक्वल्स टू 2 2 2 6. आपको इसमें ट्रांसपोज करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कि वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा. a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इसके जो रो के एलिमेंट्स हैं 2 2 वो इसके कॉलम एलिमेंट्स हो जाएंगे. रो 1 रो 2 जो ये एलिमेंट्स आए हैं ये a के ही एलिमेंट्स हैं, तो हम ट्रांसपोज a मैट्रिक्स को a लिख सकते हैं. जब भी आपका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा उसी मैट्रिक्स के जो आपको गिवन है तो उसे हम आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. देयरफॉर a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका b पार्ट है a इक्वल्स टू 0 3 माइनस 3 0. इसका ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम, सेकेंड रो कॉलम. ट्रांसपोज करने के बाद अभी जो ये एलिमेंट्स आए हैं ये ए मैट्रिक्स के अभी नहीं लग रहे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस नहीं बना. तो हम चेक करते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस अगर हम कॉमन लें इसमें से तो ज़ीरो के लिए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों ज़ीरो के लिए. इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें से हट जाएगा, इसमें हम लगा देंगे माइनस. वी गेट माइनस कॉमन लेकर एलिमेंट जो आए हैं वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज्ड जो आया है वो माइनस ऑफ ए है. देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो जब भी
आपको उस गिवन मैट्रिक्स का माइनस कॉमन लेकर आपको इक्वल करना पड़े ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक का केस रहेगा। सी पार्ट है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो हमारे जो एलिमेंट है रो वन के वो कॉलम में आ जाएंगे, रो कॉलम वन के, रो टू कॉलम टू, रो थ्री कॉलम थ्री। अब ये एलिमेंट्स हमारे ए एलिमेंट्स के, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं हैं। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो शायद ये इक्वल हो जाए। माइनस कॉमन लेने पर हमारे जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस जहां नहीं है वहां लग जाएगा, जहां है वहां से हट जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर अब जो ये मैट्रिक्स आई है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है जो हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।